लान नहीं दिया जान दे पुत मैं अज कल अमरीका का राज रियाज होया आप इस मुआवजे की कार्रवाई की खबर सुन के खासे परेशान है बकायदा दुबले हो गए पुत बस मनुसियां छा गईं दुश्मन पिछे पै गए चाचे ट्रंपू नू ला के हटना हूं देखें पहले कितना तकबर था महसूस मुझे वो शेर याद आ गया वो जो कहता था कुछ नहीं होता अब रोता है चुप नहीं होता नहीं पोते मेरे पास नहीं किया ये तो कहे होर गल तो क्या वो कुत्ता करजे कुर्जे का मामला होना साडा नहीं आज चारों अंदर आए तो मुझे लगा जैसे म्यूजिकल बैंड आ रहा है कीप साइलेंट ये फेरे थे बैठा तू कुत्ता कान क्यों नहीं पा लेता पुत को हटी पाले हर वे बेला इतने बैठा रही अच्छा आप तो बताए ना आपकी क्या ओपिनियन है ये पुत की ओपिनियन होनी है ये तो रात दे बगलां बजाउन डे देखिए जी मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी आपको अच्छा, पता है आप प्लीज अवाम उन्नास को जरा समझाएं तो सही ना ये सारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है क्या वो पुत हद हो गई है तू इम्पीचमेंट तो छा पहला तू ओपीनियन बोलिया ना ओपीनियन ओदा भी जे मतबल आंदा होएगा ना तो मैं इतने लित्र खावगा तुम्हारे को अनपढ़ जाहलां दा मुंडा है ही बेचारे पेंडू लोग सन उथो आगे बन गया सजर इसलिए कि उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट की बात हुई नहीं थी कभी पुत जिन्हों पता ही नहीं इम्पीचमेंट होंगी की ओ खिलाफ की हो इम्पीचमेंटा होंगे जिन्होंने इम्पीचमेंटा वेखिया हो साडे ते प्यो दादे तो इम्पीचमेंटा होंदिया आ रही है मैनू याद आ मेरे छोटे मामे का होया ना जो रिश्ता ते नानी मेरी दी हो गई इम्पीचमेंट उन्हें रिश्ता ही तोड़ लिया उन्हें क्या यार इन्हें दी ते इम्पीचमेंट हो गई है इनको क्या पता ये मेरे ताया की बेटी और चचा के बेटे की इम्पीचमेंट हुई थी तो 10 बकरे हलाल किए थे अपने यार इम्पीचमेंट नहीं एंगेजमेंट हुई होगी वो वही वही कह रहा हूं तो मैं तेनू कह रहा इनू पीनियन दा नहीं पता इनू इम्पीचमेंट दा की पता अच्छा उन्हें पता है या नहीं पता आपको मामूली सी रत्ती बराबर भी इस सारे मामले में शर्मिंदगी है और पुत मरे नु ते नणा मारो हो खुदा का नाम ले अमेरिका की इतनी शानदार तारीख में आप तीसरे अमेरिकी सदर हैं जिसको मुआवजे की कार्रवाई का बकायदा सामना करना पड़ा प्रैक्टिकली ओ पुत हुन मैनू की पता बेच हुन साडे भी मामले खराब होने लग पए आ बिक जांदे आ नामराद मैनू तो सारे आंदे हन चाचा ट्रंप तू फिक्र ना कर तेनू ही वोट पाने हैं पाए सारे 198 देखो ना जरा 229 वोट लै गए मुखालफी तो हूं मैं पुत मैं मिन्नत तरले ही कर सकना वा हुआ क्या मेरा ख्याल आपके मुखालफीन जो है ना उन्होंने छांगा मांगा इस्तेमाल किया अभी तेरी गल ठीक है छांगा मांगा है साढ़े बल भी होने शुरू हो गया छांगा मांगा हूं तो पुत मैं तेन दसा हूं मैं सैनेट के बिच हूं मैं ये वेख रहा तो सैनेट बिच ना किधरे सारे फेर बिक जाए क्योंकि तबाडे वाले भी इधर हुई तो यह जी हरकत सी तो मैनू फिर हूँ छक पैंदा कि इधर हो सकती है तो उधर भी फिर हो सकती है ये इस असेंबली चांगा मांगा हो गया तो उधर फिर मांगा टांगा हो सकता है आपको याद है ना 1974 में रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जब मुआवजे की कार्रवाई हुई थी तो उन्होंने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उनमें इतनी गैरत थी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था अच्छा। तो आप कोई पुत ए हुण मेरी गल सुन मैं इस्तीफे वाली गैरत ना दबा गल जो है सच वो करनी चाहिदी आ पुत निक्सन जिहड़ा सी ना उहदा बालक ते बड़ा कारोबारी बंदा सी पिंडां चों लेले इकट्ठे करके बकर मंडी बेचदा सी पुत ओदा ते टका नहीं सी लगा अपना इलेक्शन ते ते मैं ला बैठा अरबां डालर तेन की दसा मैं अब पहली वारी मैं कीमे वाले नान बंडे आ इलेक्शन च हुण इन्ने पैसे ला के ते हुण मैं इस्तीफा दे देवां मेरा तो सारिया रकम डुब गई ना बोलता नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल पुत साडा लगा पैसा इस वास्ते असी एडा छेती कितिया इस्तीफा नहीं देना यस असी जदों भी जाना ना पूरा जलील होके जाना मैं तो पुत गब्बर नूं भी कहता है धक्के भी मारन ते पैरां दा पक्का रवी हिली ना जितने मर्जी धक्के पड़ जाए इन्होंने वैसे नहीं हिलना
दक्कों से ये चट्टान हटाया नहीं जाएगा। बस पोते दे छेर भी इंदे ही होंदे आ। ये नाम राते नु की दस चौलां ते निहारी पा लैंदा। छेर च भी जेड़ा लफ्ज मर्जी चुक के परां कर लैंदा, दूजा उत्थे रख लैंदा। सो पुत गल ये आ कि असी जिदन आए सना असी उदन भी इहो ही नारा लाया सी, असी जितना सी जित गए हे जमालो। ओए असी जितना सी जित गए हे जमालो। पुत एडा लुड़ियां पा के जिते हां ते छेती कीतियां जावांगे नहीं। अच्छा लाल बंटिल, मैं इन्हां ते गिटियां ना चंबड़ जाणा, मैं जाणा ते नहीं। बड़ा अपने वालों नारा बनाया ते ओ विच किने कहना सी, ओ जमालो वावा जमालो, असी जीतना असी जीत गए हे जमालो। ओए असी जीतना असी चमलो जियो, मेरे नाल भी हे जमालो ते ओदे नाल भी हे जमालो। बहुत साडे को वावा है जमालो है, थोड़ी जी ओदे नाल ही कर लेंगे। खबरदार बंदे दा पुत मान शेख रशीद बनन दी कोशिश ना कर, पुत हे जमालो ही को बंदे ना करी दिया। सारी जिंदगी ओदे नाल ही हे जमालो करो जिदे नाल करनी होंदी। ये इनफैक्ट हे जमालो नहीं, ये पे जमालो है, जो पे करेगा उसके साथ जमालो। ये पोते हुई तो मैं आदत नहीं पैन देनी, मैं लड़ना आखरी हद तक, आखरी साह तक लड़ना। साहों मैंने चढ़ गए। अमरीका में आपके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं कि आपको इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले रिजाइन कर देना चाहिए। ओ पुत मैं तो पब्लिक वास्ते बैठा वा, वरना मैं तो तुम्हानू पता अपना बड़ा कम मेरा खलारा पे आ, मैं तो फैशन शो भी करा लेना। कसीनू मेरे चलन डे आ, प्लाजे मेरे चलन डे आ, बेबा किराया आउंडे आ मैनू ते। मेरे तो मुंडे किराया इकट्ठा कर दिया पहली तारीख नू, दस हो जाती है किराया ही नहीं कट्ठा होंदा। हाँ रब जानता मैं तो सिर्फ अमरीका वास्ते कुछ करना चाहना। अच्छा अमरीका वास्ते कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ रिजाइन कर जाओ, हमारी तरफ से अमरीका के लिए इससे अच्छा काम नहीं हो सकता कुछ। वो गाल सुन, और ना हुण तैनू किसे सीट ते बैठ देना, ना हुण तू वोटां च हिस्सा लै सकना। और चबले तू क्यों मेरे पिछे पे है? जनेश साहब ये अयाश आदमी है, मुल्क को बर्बाद कर रहा है। 2.5 लाख का यूपीएस लगवाता है व्हाइट हाउस, पता भी है अभी उधर लाइट नहीं जाती, फिर खर्चा कराता है। तेनू की तकलीफ है? मैं सदरिया, मैं जो मर्जी करा, तेनू की तकलीफ है? नहीं बाकी क्यों लगवा लिया यूपीएस आपने? पुत जिनी मुखालफत वधदी जांदी है ना, मेरे जेन च ही आउंदा, पाकिस्तान अंदर जिदण इत्थे बत्ती चली गई मैनू कुछ पेड़ा मार के दौड़ जावे, मैनू तो पता भी नहीं लगना। आपके जानसार गार्ड आपके साथ है ऐसे पोते ते इत्थे कैमरे दे छौंक च जागदा रहिंदा। ए ते घर ड्यूटी देंदा, जिदा गेट ते इहनू कई बारी भाया, बैठा बैठा सौ जांदा। एक बारी ते बाहरों बंदा इहदी पिस्तौल फड़ा के गया, भाई जी तुहाडा गार्ड बाहर सुत्ता उहदी पिस्तौल ते अंदर रख लवो। इहनू डाक्टर ने उंज पिस्तौल चलाण तों मना कीता, उन्हें कहा पुत गोली बस इको ही चलानी है, तू डिसप्रिन दी भी पानी च सुट के। आ ना मुराद सरकारी पिस्तौल दियां गोलियां बेच के ते नूर जहान दी कैसेट लै आउंदा। जद गोलियां दा हिसाब मंगो ते कह दिंदा जी व्हाइट हाउस जंगली बिल्ला आपड़िया सी उहदे ते फायरिंग कीती। जे पुछ लवीए कि किथे बिल्ले दी लाश जिहनू गोलियां मारियां, कहिंदा जी मरिया नहीं सी, उहनू बुलेट प्रूफ जैकट पाई सी। बहरहाल जुनैद पुत मैं तेनू एक गल दसवा, ये जिन्ने मर्जी स्कैंडल बना लैन मेरे यूपीएस दे, जो मर्जी कर लैन, मैनू हला कोई नहीं सकता, मैं तुम्हानू दस दवा। लेकिन माने नुमाइंदगान में तो आपके खिलाफ वोट आ गया। पुत छड्ड नुमाइंदगान नू, हले सैनेट पई आ, मेरे सात वोट बाद दिया उथे। अगर सात वोट इधर हो गए फिर पुत मैं एडा भी कच्चा नहीं। ए मैं तेरे प्रोग्राम च तेनू दस रहा, अमरीका च ना रिलीज करा दे। अच्छा मैं रोज व्हाइट हाउस दी पिछली गली वालों मोटरसाइकिल लेके निकलना वा। अच्छा कल्ला रोज हर रात मैं 3-4 सेनेटरां नू मिलन रहा। अच्छा और जेडे सात बाद दिया ना, उहनां ते ते घरां दे बाहरों मैं कुंडियां ला के ते बलैती ताले ला छड्डे आ, नाल मैं बाहर डांगां वाले बंदे खिलार दिते आ। मैं कह जेड़ा बाहर निकले ना सत्ता चो मारो पुड़पुड़ी च डांग। आपको कैसे पता कि कौन से सात अरकान आपको छोड़ जाएंगे? पुत मैं मर्दमशुमारी च भी काम करदा रहा, मैं उन्होंने बूबियां दे उत्ते रंग लाया। आपने वोट लेने ही उनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने।
पुत मैनू सारे तरीके आउंदे आ, मैं निशानियां ला लियां, मैं पहले करदा रहा फोन। अच्छा। जिन्ने जिन्ने मेरा फोन चुकया ना ढिला, नींदर वाली आवाज कड्डी जिले जिले, मैं सोया वो गया वाले। मैं समझ गया ये हमें जान के केस बटन डे आ। आपने गलती से जो शुजात साहब को फोन कर दिया। इन्हें पुत चोरी साहब थे अपने भरा, वो तो बड़ा प्यार कर दिया अपने आप। इतने जर्मनी गए हैं ज्यादा लाज बाज थे। मैं चार पांच फोन खड़काए उन्होंने। अच्छा। मैं कहा तंगड़े हो वो चोरी साहब। अच्छा। हद हो गई आ, आ तुम्हारे सामने वेखो न्यूयॉर्क का चौधरी भजा फिर। तो पुत गल ये कि मैं हिलन नहीं देना किसी ने भी। सैनेटर मैं सारे पक्के कर ले आ। वोटा तो दो दिन पहले मैं सारे घर एक एक बोसकी का सूट से किलो किलो मठियाई का डब्बा दे। उतो मैं जान वेले पुत नाल पुजे चिड़े कबाब कबूब ते किशके लैके जांदा रहा। जाके मैं बुढ़िया उन्हां दीआं नूं मैं कहा भरजाईओ खाओ पियो ते आ बंदा ना हिलण देना अपना। इहनूं ट्रंपू ते पक्का रखो बस। देखा जने साहब बोसकी के सूट बांटे इसने। मुझे दिया सूट, मुझे दिया। इंसान वोटों से नहीं जीता, दुआओं से जीता है। मुझे दिया होता सूट तो मैं इतनी दुआएं करता तुम्हारे लिए। पुत मैं शिवली ढोलक वाले नू दे देना बोसकी का सूट, तेनू नहीं देना।